गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमने आपको सुबह 7 बजे गुड मॉर्निंग करनी थी लेकिन हमने की नहीं क्योंकि आपकी ऐसे जाग खुल जाती, आपकी नींद खराब होती क्योंकि फ्लाइट हमारी 7 बजे थी। उसके बाद फिर 2 घंटे हम एयरपोर्ट पे बैठे, फिर हमने वेट की, उसके बाद हम यहाँ प्लेन में हैं। अभी बजे हैं 11, तो गुड मॉर्निंग। हम आखिर लखनऊ पहुँच गए हैं और यहाँ पे ये गाना गाएंगे खाई के पान बनारस वाला। बनारस में गाओगे, लखनऊ में क्यों गाओ? तो गाना अलाउड है, कहीं भी गा सकते हो, हमारे अमृतसर में भी बनारस में भी। तो दिल्ली जाके भी हमने गाना गाना है, ये मुंबई शहर हादसों का शहर है, नहीं गा सकते? गा सकते हो। फिर तू मेरे को ऐसे घूरता क्यों है? तो कल हमने मुंबई पहुंच जाना है, वहां पे जाके हम गाना गाएंगे अपना पंजाब होवे। क्या नहीं गा सकते? गा सकते। तो फिर तू मेरे को ऐसे क्यों देखता है यार? मेरी मर्जी, मैं कोई भी गाना गाऊं, मेरी आवाज, मेरे गाने। हाँ जी, ना गाऊंगा ना? आप भी मना कर रहे हो मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, फोटो लेना था आपके साथ। फोटो नहीं, पहले गाना सुनो मेरा। बोलिए सर। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फला। ठीक लगा आपको? जबरदस्त। कोई पैसा वगैरह दोगे मुझे? लाउडस्पीकर पे तो कमा रहे आप इतना जबरदस्त। वो तो ठीक है, बातों में घुमाओ मत, पैसे दोगे मुझे गाने के? अरे क्यों नहीं, आप बोलो। ये अंदर से आवाज है, क्यों दूं भाई, क्यों? नहीं नहीं, क्यों नहीं। थैंक यू, थैंक यू, आपका प्यार है, खुश रहिए। नहीं, आज तक का जो बेस्ट कॉमेडी शो मुझे आपका लगता है लाफ्टर शेफ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मजाक कर रहे हैं कि सीरियस है उनके बारे में? थैंक यू, थैंक यू। क्या सोचा तूने मेरी जिंदगी के बारे में? और कैसे सर? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आपको सुनाऊं गाना कोई? सुनिए। तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका। ये मेरा मैनेजर है, इसको पैसे ना देना, ये ऐसे ही ले लेता है। हाँ हाँ हाँ, लखनऊ का एयरपोर्ट कितना अच्छा है। पहले तो छोटा एयरपोर्ट था मुंबई में, लेकिन अभी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, मज़ा आता है एयरपोर्ट पे। हाँ, तो मैं मुंबई में एयरपोर्ट की तारीफ ना करूँ इसका मतलब, अगर यहाँ पे हो तो। ये वाला भी एयरपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा लखनऊ का, और वहाँ का भी बहुत अच्छा है। जा कर ले जो करना है, ये बात थोड़ी यार। शेखर जी, हम तुम्हें पता है कि इस वक्त हैं लखनऊ में, और दशहरी आम जो है यहाँ के बहुत ही फेमस है, बहुत ही पसंद करते हैं लोग। दारू की दुकान है ये तो? तो इस दुकान के सामने मैं दशहरी आम की तारीफ नहीं कर सकता? तू खुद नशे में लगता है मेरे। झट सुधे जी, इसमें अभी जाने वाले। ऐसे लगता जैसे मैं हूँ ये। आप कैसे हो ये? अरे तू ही तो मेरे को ऐसे ही घुमाता रहता, कभी इधर कभी उधर, रिमोट तेरे हाथ में रहता है। तो इस वक्त है हम लखनऊ में, और बारिश का तो मजा ही कुछ हो जाए। जब बारिश आती है तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मजा आता है। कड़ाके की धूप निकली है इधर। तो मैंने बारिश का बोला है, तो बारिश जब आती तो मजा आता है ना। क्या यार बातें, ये बंदे को समझ नहीं आती। चले, बैग आपको आगे चाहिए? बैग चाहिए क्या? बैग चाहिए? अरे भाई क्या भौंक रहा है, क्या बोल रहा है? बैग चाहिए आपको इधर? हाँ रख लो पीछे। वो मेरे पहलू में ऐसे बैठे के जैसे उनकी बाप की जगह है, के जैसे उनके बाप की जगह है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। मॉल का नाम क्या? लू 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 मॉल, मॉल लू 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 लू। वो देखो लिखा है, इस मॉल का नाम है लू 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 लू। क्या फिट किया है, लू 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 लू। आपका कैमरा शायद साफ नहीं है। नहीं नहीं, तेरी शक्ल साफ नहीं है, मेरा तो ठीक है। मुझे शुरू से ही इन्फिनिटी मॉल मुंबई बहुत अच्छा लगता है। हम लोग लखनऊ लूलू मॉल में है। हाँ, तो यहाँ आके फिर मैं अपने मुंबई वाले मॉल को भूल जाऊँ यार, उसकी तारीफ नहीं कर सकता। कैसा बंदा है यार, ये मॉल भी बहुत अच्छा है, वो मॉल भी बहुत अच्छा है।
हम लखनऊ में हैं, सफर कर रहे हैं, 3 घंटे का भी रास्ता है, आजमगढ़ जाना है। दोस्तों आज बड़ी खुशी की बात है कि मैं आया हूँ आजमगढ़, हमारा शो है, और उससे भी बड़ी खुशी की बात है एडीएम साहब मुझे मिलने के लिए आए हैं, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मतलब मुझे मौका दिया। नहीं सर, हम लोग का सौभाग्य है कि आप हम लोग के बीच में हैं, और आप विश्वास मानिए कि इस पूरे एरिया में, पूर्वांचल में आपकी लोकप्रियता जिस स्तर पे है उसका आपको अनुमान भी नहीं। थैंक यू सर। तो दोस्तों इंजॉयमेंट अपना हो गया है, खाना पीना, अब शाम का वक्त है, अब शो का टाइम है, तो सीधा जाएंगे शो पे। ओहो, मेरा हाथ थक जाता है, पकड़ लिया कर, शर्म आनी चाहिए तेरे को। अरे हाथ नहीं, इसको पकड़। हाँ तो खाना पीना इसका हो गया, अब गाना बजाना मेरा होगा। दोस्तों हमारी रिहर्सल हो चुकी है म्यूजिक की, बड़ा मजा आया। अब जैसे जैसे मैंने बोला स्टेज पे वैसे भी आना, ठीक है ना, समझ गए ना, खराब। नहीं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत ही मजा आने वाला है, अच्छे लोगों के साथ जब काम करते हैं तो बहुत मजा आता है। शेखर ये बता के लखनऊ में जो कहावत बड़ी फेमस है वो क्या है? मुस्कुराइए अब लखनऊ में। हाँ तो मेरी मुस्कान की बंदगी से इस बंदे ने इतना परेशान किया है, सुबह इसको फ़ोन कर रहा हूँ 7 बजे निकलना था, ना ये फ़ोन उठा रहा है और ना ही इसके रूम का पता है मुझे। इस बंदे ने इतना तंग किया, कभी मैं रिसेप्शन पे जा रहा हूँ, कभी किसी से पूछ रहा हूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। ये मैनेजर है, मैनेजर का काम है मुझे संभालना, मैं इसको फ़ोन कर रहा हूँ, इतना दुखी किया। कुल मिला के बहुत ही घटिया इंसान है ये। क्या है, मैं आपके लिए एक मस्त कड़क चाय लाता हूँ, फ्लाइट चले जाएंगे। चाहे चाय लाए, कुछ भी करे, लेकिन है ये घटिया बंदा। तो दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट हम पहुंच गए हैं, शो हमारा बहुत अच्छा हुआ, अब हम जाएंगे सीधा घर पे। इसकी वजह से यहाँ पे अटका हुआ हूँ, देखो मेरा बैग जो है पड़ा है, इसका बैग अभी तक आया नहीं। जनता को मालूम है ये बैग किसका है? ये मेरा हैंड बैग है, ताकि इनको दिक्कत ना हो मैं कैरी करता हूँ और लगेज बेल्ट में नहीं जाता। बिल्कुल, बस मैंने यही बताना था ये घटिया सा इसका है, मेरा बढ़िया आने वाला है। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।